तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हाथ में मैंने कुछ अगरबत्तियां रखी हुई हैं और ये है धूना अगरबत्ती जिसे धूना काठी कहा जाता है। और जो है बनाने के लिए इसका क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या फॉर्मुलेशन होगी, कौन कौन से पाउडर कितने कितने रेशियो में हमें लेने होंगे, उसके बारे में एक कंप्लीट फॉर्मुलेशन अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी T1 पाउडर की। T1 पाउडर हमें लगेगी 600 ग्राम और ये फॉर्मुलेशन मैं 1 kg के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो 600 ग्राम आप T1 पाउडर ले लीजिए और चाहो तो आप पाइन वुड पाउडर से भी इसे बना सकते हो। उसके बाद जो अगला हमारा पाउडर होगा वो है हमारा धूना डस्ट। धूना डस्ट आपको जरूरत पड़ेगी 200 ग्राम जो कि आपकी अगरबत्ती में इंप्रूवमेंट लेके आएगी, जिसके नाम से धूना काठी से कहा जाता है। उसके बाद अगला चीज है जो कि हमें लेना होगा जोश पाउडर। जोश पाउडर आपको लगेगी 140 ग्राम। उसके बाद हमें डालना होगा ग्वारगम। ग्वारगम आपको लेना होगा 20 ग्राम। उसके बाद जो है अगला और हमारा पांचवा पाउडर होगा यारा पाउडर। यारा जैसा कि आप जानते होंगे क्रिस्टल फॉर्म का पाउडर है। इसे अगरबत्तियों में मिलाने से हमारा जो है बेस नोट अच्छा होगा और थोड़ी सी बूस्टिंग इसमें आएगी अगरबत्तियों में। तो यार आपको लेना होगा 35 ग्राम। उसके साथ साथ एक और क्रिस्टल फॉर्म का पाउडर है वो आपको यूज करना होगा, वो है हमारा जैस्मिन पाउडर, जैस्मिन क्रिस्टल जिसे कहा जाता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये परफेक्ट है और इस तरीके से आप धूना अगरबत्ती जो है बना सकते हैं, एक अच्छा प्रीमिक्स पाउडर जो है बना सकते हैं। इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें जो पानी का रेशियो होगा वो आपको देना होगा 800 से लेकर 900 ग्राम एवरेज इसमें पानी की जरूरत पड़ेगी, वो आपके अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं। और ये एक परफेक्ट फार्मूला है। और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।